देन स्टूडेंट्स हिज प्रैक्टिकल लाइफ वाज स्टार्टेड, यानी मतलब उनकी जो अमली या सियासी ज़िंदगी जो शुरू हुई वो कहाँ से शुरू हुई? जी, उनकी अमली ज़िंदगी का आगाज तब हुआ जब उनके वालिद की वफात हो गई। हिज फादर डेथ इन 1494 AD व्हेन ही वाज 11 ईयर ओल्ड। जब वो 11 साल के थे तो उनके वालिद की वफात हो गई इन 1494 AD में। इनके वालिद के इंतकाल के टाइम उनकी उम्र कम थी, लेकिन रियासत की जितनी भी जिम्मेदारियां थी वो किसे संभालनी पड़ी? बाबर को। बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, ठीक है, या संभालना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट। और रियासत, स्टेट कहते हैं रियासत का, जो फरगना के इलाके में इनके वालिद जो थे हुक्मरान थे, वहाँ की तमाम तर जिम्मेदारियाँ, इंतज़ामी जिम्मेदारियाँ या हुक्मरानी जिम्मेदारियाँ किसके कंधे पर आ गई? बाबर के ऊपर, ठीक है। फिर बाबर की जो ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था, अमली ज़िंदगी का आगाज़, वो उनके वालिद की वफात के बाद हुआ। उसके बाद उन्होंने बहुत से इलाकों को फतह किया, लेकिन जो मेन इलाका जो उन्होंने फतह किया था वो था इंडिया, और वो थी उनकी जंग बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो पानीपत के मकाम पर पहली जंग हुई थी। उसके जो थे उसके ऊपर उनका जो था वो उन्होंने इंडिया में कदम रखा, और 1526 से 1530 तक उन्होंने इंडिया के ऊपर रूल किया। उसके बाद उनके बेटे, और फिर बेटे का रूल आया, और फिर उसके बाद उनके आगे नस्ल दर नस्ल इनका जो है वो रूल बढ़ता चला गया। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। इस तमाम को अच्छे तरीके से आपने रिवाइज करना है, और जो कॉपी वर्क है देन यू हैव टू राइट द कॉपी वर्क। ओपन योर नोटबुक्स।